नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। पंजाब कैबिनेट में तत्काल नहीं होगा फेरबदल, सीएम अमरिंदर बोले 93% वादे हुए पूरे, 18 सूत्रीय एजेंटों में से कई को किया है लागू। गुलाम नबी आजाद बोले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी करे कांग्रेस, सभी ले चुनाव में हिस्सा। नौ घंटे तक चली भारत चीन में 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से सैनिक हटाने पर दिया गया जोर। यूपी के बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े सलमान मियां की सीएम योगी से मुलाकात, दरगाह में उमड़ी कलह। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार पहुंचा, आधी आबादी को लगा टीका। व्यापम घोटाला मामले में 2 आरोपियों को 7 साल की सजा। ट्रेन चलाने के लिए ढांचा हुआ तैयार, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने दी जानकारी। चीन की आक्रमकता के खिलाफ भारत तिब्बत सहयोग मंच 20 अक्टूबर को मनाएगा विरोध दिवस। महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लहारिया ने कहा देश में कोरोना संक्रमितों की वास्तविक संख्या 30 गुना ज्यादा। किसान आंदोलन के चलते अडानी ग्रुप ने लॉजिस्टिक पार्क किया बंद, सरकार नाकाबंदी हटाने में रही विफल। असम मिजोरम विवाद पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के राजनीतिक सचिव का दावा, अतिक्रमण ड्रग्स तस्करी रोकने के कारण हुई हिंसा। महाराष्ट्र में मिला जीका वायरस का पहला मामला, कोरोना में भी 2 नए मामले मिलने से मचा हड़कंप। शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, प्रदेश में शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान, नेहरू के भाषण को बताया महंगाई के लिए जिम्मेदार, बोले 1-2 दिन नहीं बढ़ती महंगाई। चीन की बढ़ती गतिविधियां देख भारत ने तैनात किए स्ट्राइक कोर के विशेष दस्ते। योगी सरकार की गैर जरूरी खर्चों पर चली कैची, अफसरों की महंगी हवाई यात्रा को लेकर नए वाहन खरीद पर प्रतिबंध। राजभर ने बसपा पर लगाया आरोप, कहा स्वार्थी तत्वों से दिशाहीन हुआ बहुजन मूवमेंट। अंबेडकर नगर में शार्प शूटर्स ने शिक्षक को गोलियों से भूना, दूसरी पत्नी पर लगा धमकी देने का आरोप। योगी आदित्यनाथ ने डीएमएसपी को दिए कड़े निर्देश, कहा जिला स्तर पर प्रतिदिन हो जन सुनवाई। राज्य सड़क परिवहन निगम का बड़ा फैसला, 1 साल में 5 से अधिक चालान तो निरस्त होंगे बसों के पाबंद।
सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा कोरोना संक्रमण घटा तो जल्द खुल सकते हैं स्कूल। गांधी जयंती पर छात्रों को मिलेगी निशुल्क प्रतिपूर्ति की सौगात, 31 अगस्त तक करना होगा आवेदन। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत आर्किटेक्ट को कराना होगा सत्यापन। बिजली विभाग के बनवाने पर चढ़ा शिक्षा चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना का पारा, एसडीओ को हटाने के दिए निर्देश। लखनऊ के रायबरेली रोड पर बना नक्शा पास और कंपाउंडिंग के बन गई सील बिल्डिंग, एलडीए के अभियंता बने अनजान। शमशान की भूमि बेचने को लेकर सरायकाजी में हंगामा, भाजपा नेता पर भूमि कब्जाने के लगे आरोप। लखनऊ में अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी से दुष्कर्म पीड़ित के पिता की बीमारी की सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट कर ठगे लाखों रुपए। बाराबंकी बस हादसे मामले में रामपुर के संभागीय निरीक्षक हुए निलंबित, सीट की क्षमता 55 से बढ़ाकर की थी 86। चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती ने कार चालक को जड़े तमाचे पे तमाचे। सरयू नदी में बाराबंकी के तीन युवक डूबे, गोताखोरों ने दो युवकों को बचाया, एक की तलाश जारी। अमित शाह ने लखनऊ में किया यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास। बिगाड़ने की कोशिश में खालिस्तान के समर्थक हिमाचल के सीएम को ध्वजारोहण रोकने की दी धमकी। रायबरेली में प्रभारी प्रधानाचार्य की दबंगई आई सामने, दबंग प्रभारी प्रधानाचार्य ने शिक्षा मित्र को पीटा। रायबरेली में बारिश की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, घरों में घुसा पानी। कानपुर में ईंट से कूचकर युवक की निर्मम हत्या, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। मैनपुरी में गरीबों को दिया गया राशन, बाबा जन कल्याण समिति संस्थान द्वारा किया गया राशन वितरण। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सुविधा हुई बेहाल, अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। अमेठी में हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, साधु ने जिंदा सांप को किया खाने का प्रयास, सांप के काटने से साधु की हुई मौत। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल बोले, निषाद बिंद आदि के उत्थान समाजवादी पार्टी में ही संभव। फतेहपुर में बारिश की वजह से घर की गिरी दीवार, दीवार गिरने से 80 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
देहात में यमुना और सेंगुर नदी का बढ़ा जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियां। कौशाम्बी में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही, नहर का बांध टूटने से किसानों को हुआ नुकसान, 500 बीघा धान की फसल हुई बर्बाद। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला वृद्ध साधु का शव, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में दबंग ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटे। कलियर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स, दरगाह पर माथा टेक, मांगी अमन चैन की दुआ। चंपावत में पीएम आवास योजना से लोगों को मिल रहा लाभ, 766 लोगों को मिला आवास का लाभ। मारपीट के इरादे से घूम रहे थे युवक, हिरासत में लिए गए कुछ युवक। हरिद्वार में ग्रामीणों को समझाने पहुंचे एसडीएम, बीते कई दिनों से धरने पर हैं ग्रामीण, गांव की आबादी दूसरे गांव से जोड़ने से है नाराज। चमोली में प्रसिद्ध महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन, काफी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। चमोली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 32 लाख की चोरी का किया गया खुलासा, 10 जुलाई को डाकघर से हुई थी चोरी। हरिद्वार में एमएलए सुरेश राठौर ने अपनी विधानसभा का किया निरीक्षण, बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के दिए आदेश। ऋषिकेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अब खड़े वाहनों की बैटरी चुराने वाले दो आरोपी किए गए गिरफ्तार। हरिद्वार में डीएम ने की गंगा संरक्षण समिति की बैठक, पंपिंग स्टेशन और नालों का किया निरीक्षण। भगवानपुर में यूनिवर्सिटी पहुंची जाति की आग, अध्यापक के खिलाफ इस्तेमाल हुई जाति सूचक शब्द। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने चलाई प्रीतम की नियुक्ति पर कैची। अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। नमाज की छुट्टी पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, एक बार चढ़ती है कांच की हांडी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा भूमाफिया के दबाव में काम कर रही है भाजपा सरकार। उत्तराखंड आने वालों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना हुआ अनिवार्य, डोज लेने वालों को ही मिलेगी छूट। हरिद्वार में वंदना कटारिया ने बढ़ाया जिले का मान, टोक्यो ओलंपिक वंदना ने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। ऋषिकेश में दिव्यांगों का सहारा बने पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह, सैकड़ों दिव्यांगों को बांटे जरूरी उपकरण।
नैनीताल में पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल, पर व्यापारियों में आई खुशी की लहर। जागेश्वर मंदिर में अभद्रता करने के मामले में भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ आक्रोश। एनडीडीए सचिव पीसी दुमका ने दिए निर्देश, सितंबर तक पूरा करे एचआईजी परियोजना का निर्माण। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, अफगान सुरक्षा बलों के साथ युद्ध जारी। व्यापार रिश्ते में प्रगति के लिए भारत दौरा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक दिन में लगे दो झटके, टैक्स रिकॉर्ड की जांच को हरी झंडी। ब्रिटेन में फिटनेस पर जोर देने के लिए सरकार ने साइकिलिंग और पैदल चलने वालों को बढ़ावा दिया, वित्तीय मदद का किया ऐलान। बाइडेन प्रशासन का ऐलान, अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला करता रहेगा अमेरिका। पाकिस्तान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के नए मामले, कई इलाकों को किया गया लॉकडाउन। पाकिस्तान में दुष्कर्मियों के खिलाफ महिला सांसदों ने खोला मोर्चा, का सार्वजनिक तौर पर दी जाए फांसी। तालिबान ने 4 माह में किए 22,000 हमले, अमेरिका बोला सकारात्मक भूमिका निभाए पाकिस्तान। एनएसओ ने कुछ सरकारों को पेगासस इस्तेमाल करने से रोका, हैकिंग और निगरानी के आरोपों के चलते कई देशों में मचा है हंगामा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए संयुक्त राष्ट्र की सीमा से चूके चीन और भारत। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में पहला व्यक्ति दोषी करार, कोर्ट ने 9 साल की सजा सुनाई। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में समारोह के दौरान तालिबान हमले में 2 नागरिकों की मौत, 30 हुए घायल। यूएन कार्यालय पर तालिबान का हमला, अफगानिस्तान ने की कड़ी निंदा, कहा हिंसा को दिया गया नया मोड़। सिंगापुर ने और बढ़ाई सख्ती, कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया तो प्रवासियों का परमिट होगा रद्द। रूसी मॉड्यूल के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस में लगानी पड़ी इमरजेंसी। तालिबान ने फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के शव के साथ की थी क्रूरता, शरीर पर थे गोलियों और टायर के निशान। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र की इमारत को बनाया निशाना, भड़के एंटोनियो गुतारेस ने कहा इसे युद्ध अपराध माना जाए। डिज्नी ने वैक्सीनेशन को लेकर की घोषणा, सभी कर्मचारियों को पूरा वैक्सीनेशन कराने के दिए गए निर्देश, नए कर्मचारियों को ज्वाइनिंग से पहले कराना होगा वैक्सीनेशन।
कोरोना के सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने चेताया, कहा हर तीन में से एक शख्स की लेगा जान। ब्राजील में हुई दुर्लभ घटना, 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान, 43 से ज्यादा शहर बर्फ से ढके। बोइंग को मिलेगा दम, अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने की आकाशा नाम विमानन कंपनी लॉन्च करने की घोषणा। पीएम मोदी 2 अगस्त को लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। SBI का मॉनसून ऑफर, होम लोन पर 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। LIC का जबरदस्त प्लान, एक बार प्रीमियम भरने पर जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक फिर से बढ़ाई, DGCA ने जारी किया सर्कुलर, अब 31 अगस्त तक लगा प्रतिबंध। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से लगी उम्मीद, 7 अगस्त को होगा मैच। हॉकी में रियो ओलंपिक की चैंपियन अर्जेंटीना हॉकी टीम मेडल की होड़ से बाहर, क्वार्टर फाइनल में जर्मनी ने 3-1 से हराया। मानकौर का चंडीगढ़ सेक्टर 25 शमशान घाट में किया जाएगा अंतिम संस्कार, 105 साल की उम्र में ली अंतिम सांस दुनिया की सबसे बुजुर्ग एथलीट थी। ट्रैक क्वीन एलन थॉम्पसन हेरा ने 100 मीटर रेस में जीता स्वर्ण, बनाया ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में खेल के दौरान चोटिल हुआ अमेरिकी खिलाड़ी BMX राइडर का कानोर फील्स, ICU में भर्ती। शिल्पा शेट्टी की पति की और बढ़ सकती है मुश्किलें, राजकुंद्रा की 2 ऐप में मिली 51 अश्लील फिल्में। कार्तिक आर्यन 1 अगस्त से फ्रेडी की शूटिंग करेंगे शुरू, इस फिल्म का शशांक घोष करेंगे डायरेक्शन। टाइगर 3 में कैटरीना कैफ करेंगी अपने करियर का सबसे बड़ा सोलो एक्शन सीन, सलमान खान की इस फिल्म में कैटरीना के अलावा इमरान हाशमी भी रहेंगे लीड रोल में। मैरीकॉम साइना नेहवाल के बाद ओलंपिक विजेता मीराबाई चानू पर बनेगी फिल्म। एम्पायर से डिजिटल डेब्यू कर रही है TV एक्ट्रेस जस्टी धामी, फर्स्ट लुक में दिखा रॉयल अंदाज। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।